अब जैसे कि उसी साहब ने बताया कि उनके गेस्ट हैं, उन्होंने मेरा शो देखा है, लेकिन कोई नहीं, मेरे पास जितना है उतना अच्छा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। साहब मेरे पास ये एक कागज़ है जो कि बिल्कुल खाली है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा है, आप एक बार सभी को दिखा दो। ये काम आपसे नहीं करवाना चाहिए, कल सर एक बार सबको दिखा गया होगा, इस पर कुछ लिखा तो नहीं है, सबको दिखा गया नहीं, कोई पिन एक बार दिखा के तो आप उसी के लिए तो सबको दिखाना है ना आपको। सबको दिखा दो, कुछ लिखा तो नहीं है, और इसी पेपर के ऊपर उसी साहब के साइन करवा दिए जाए, जिससे कि मैं पेपर को चेंज ना कर दूं, जिससे आपके पास ये सबूत हो जाएगा कि हाँ इस पेपर को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक बार इधर देखिए, मेरे पास इतने सारे पेपर हैं, तो आप लोग बोलोगे कि वहां से कोई पेपर चेंज कर दिया गया है, कहीं पे भी कर दो साहब, जब आपको अच्छा लगे। वर्कशॉप में काफी मेरे मैजिक शो हुए हैं, तो कुछ लोगों ने इस शो को देखा है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बड़ा ही इंटरेस्टेड मैजिक होगा ये। देख लिए सर, साहब ने भी साइन दूसरी साइड किए थे, मधुबन शर्मा इस पेपर को कहीं ऐड ना कर दे। अच्छा ठीक है साहब, साहब की ईमानदारी के लिए जोरदार तालियां। ये पेपर है साहब जिस पे आपने साइन किए हैं, इस पे मैं भी कुछ लिख रहा हूँ और साहब को दे रहा हूँ। और ये मैंने इस पर कुछ लिख दिया, ये देखो साइन साहब के हैं, तो इस पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, ओके ये देखो। और इस पेपर को मैं फोल्ड कर देता हूँ, मैंने एडवांस में लिखा है, इस चीज को याद रखना है साहब, इस पेपर को अपने पास रखो ठीक है। और ये देखो ताश की गड्डी है, बड़े ध्यान से देखना, ये देखो इसमें अलग अलग रंग के पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए इसको अच्छे से सफल भी कर देते हैं, ये देखिए ठीक है। अच्छे से सफल करने के बाद अब इस गड्डी को मैं चलाऊंगा, जहां पे पांडे साहब का मन हो वहां पे आपको हाथ रख देना है, ठीक है रखिए साहब, जहां पे आपको हाथ रखना हो, नहीं जहां पे गड्डी ऐसे चलेगी उस बीच में हाथ रखना है, ये इस बीच में कहीं भी ठीक है, रखो साहब यहाँ पे साहब ने हाथ रखा है ठीक है। और इस कार को अभी मैंने नहीं देखा, और साहब से भी कहूंगा कि इस ऊपरी कार को आप किसी को ना दिखाएं, अपने पास रख लें, आप भी ना देखें ठीक है, अपनी पॉकेट में रख लें साहब, और अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं। अभी एकदम पारदर्शिता है, मैंने कोई चालाकी नहीं की, कोई कागज नहीं बदला है, और जो गड्डी है वो यहाँ पे सामने है। अब हवलदार संतोष आपके पास एक कार्ड है, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उस कार्ड को निकालिए और उसी साहब को दिखा के आइए। पता हमको पता, आराम से ब्रो।
सांप को दिखा दिया। अरे सांप को सिर्फ दिखाने के लिए। ओके, अब ये कार्ड आप सभी को दिखाओ। कुछ दिखाई दे रहा है? कौन सी क्वीन है? मैंने पांडे साहब को एक पर्ची लिख के दी थी, पांडे साहब उस पर मैंने क्या लिखा है एक बार दिखाइए सबको, नहीं तो आप पढ़ के बता दो, और जिसको यकीन ना हो उसके पास दे दो उस पर मैंने क्या लिखा है। और पांडे साहब के पास एक कार्ड भी है, उस कार्ड को भी दिखाएं कि साहब को मैंने कौन सा कार्ड दिया है। कौन सा कार्ड है साहब? उस कार्ड पे भी मैंने आपको सबसे एडवांस में लिख दिया था डायमंड क्वीन। साहब आपने वो लिखी हुई पर्ची जिसपे उसी साहब के साइन थे वो दिखा दी सबको? आपके पास एक ही पर्ची थी? नहीं, आपके पास दो पर्ची हैं, एक और पर्ची है आपके पास, देखिए आपको पता हो ना बताओ, मुझे पता है। उसपे क्या लिखा हुआ है ना वो भी दिखाएंगे। क्या लिखा है? बिल्कुल, जो क्वीन निकली है कार्ड से वही क्वीन है। और ये होती है ट्रिक्स, माइंड ब्लोइंग की चीजें हम आपको चेक कराते हैं और मैजिक दिखाते हैं। इसकी तुलना कुछ लोग बोल रहे थे कि बागेश्वर धाम ऐसा ही करते होंगे, उस पर कोई नहीं।